ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि मेरे बच्चे अभी कर क्या रहे हैं। तो अभी मैं उनको छत पे लेके गई हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या बदमाशी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं वीडियो में कैप्चर ज़रूर कर लूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अभी उनके लिए खिलौने वगैरह लेने के लिए आई हूँ मैं नीचे, तो चलते हैं अपने बच्चों के पास। आ गई हूँ, तो मैंने बंद कर दिया था। ये देख लीजिए मेरे बच्चे का, ये मेरा बेटा गेहूं से तो निकलने का इसको मन ही नहीं कर रहा है, इसके बीच में बैठा हुआ है। अब मम्मी आएगी तो पक्का डांटेगी। ये देखिए परी, परी तुम अच्छी लड़की हो ना, नहीं जाती हो ना। हेनरी क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, गंदी बात। हेनरी अगर तुमको छींटना भी है तो सेंटर पे रख के छींटना, बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतना बिजी है कि पूछे मत। उस दिन पापा मटर लेके आए थे बहुत सारी, जो छेमी मटर आती है, वो जब तक उसको पूरा इधर उधर कमरे में नहीं बिखेर दिया इसको, तब तक मन नहीं लगा इसका। फिर बहुत सारा काम बढ़ा देते हैं बच्चे। परी तुम नहीं छुओ बेटा, तुम तो अच्छी लड़की हो ना, जाओ वो खाओ, लाई खाओ, जाके लाई खाओ। हेनरी मत करो बेटा, मत करो। हेनरी नहीं करो, क्या मिल रहा है, परी उतना नहीं कर रही है, लेकिन तुमको इतना ज्यादा पता नहीं क्या है, मन कर रहा है। खेलो झुनझुनने से खेलो, छोटे छोटे हाथ से चार दाना उठाएगा फेंकेगा, देखे थोड़ा सा, देखे थोड़ा, उठाओ सर उठाओ। हेनरी मेरी परी बेटा, परी तुमको भी करना है तो बीच में आ जाओ, लेकिन किनारे किनारे से और मत छीटो। हेनरी बाहर नहीं जाना चाहिए, हेनरी आज मुझे वीडियो की तैयारी करने थी। इनफैक्ट थोड़े से बच्चों के कारण इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि कर नहीं पाती हूँ, बट उसी में मुझे समय निकालना होता है। तो बस वीडियो की तैयारी के लिए ही अभी कर रही थी, बट बच्चों में बिजी हो गई तो थोड़ा वक्त निकालना है मुझे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी बनानी है, कंटेंट अच्छा देना है। तो बस काफ़ी अच्छा मौसम आप देख रहे हैं, आज है 23 दिसंबर, तो अच्छा है काफ़ी मौसम। अगर इस तरह से रहे तो बच्चे काफ़ी इंजॉय भी करेंगे, बाहर निकलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो घर में पड़े पड़े भी उनका मन बहुत बोर हो जाता है। एक बार बस मम्मी अभी आ जाए नीचे से, थोड़ा बच्चों को ध्यान देगी तो मैं जाके वीडियो का काम कर सकती हूँ। देखिए बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे है, मुझे पता है कि किस किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। जो भी रिक्वेस्टेड वीडियोज़ आ रही हैं, बेबी के फूड से रिलेटेड आ रही है, फिर टीडिंग से आ रही है, सब कुछ बनाना है अभी। लेकिन अपने बच्चों से ही एकदम फुर्सत नहीं मिलती है। और इनफैक्ट ये कहूँ तो जब मैं अकेले, जब अपने जहाँ हम लोग दिल्ली में रहते हैं वहाँ तो और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं रात में उठ के बनाती थी वीडियो, अभी तो रात में नहीं उठ रही हूँ, लेकिन हाँ एडिटिंग वगैरह बहुत रात तक भी मैं करती रहती हूँ। तो है वैसे कि थोड़ा मेहनत तो पड़ता है, लेकिन चलिए एक सही कॉज के लिए हो रहा है तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। देखिए यही सारे दिन तो याद आते हैं। मैं मम्मी को बोलती हूँ कि आप इतना गेहूँ वगैरह इतना क्यों धोती हैं या इस तरह, लेकिन उनका ये कहना है कि कोई चीज़ जो हमारा जो शुरू से चलता आ रहा है, हमारे मतलब शुद्ध जो चीज़ मिलती है वो आप देखोगे पैकेट वाले आटे में कितनी ज़्यादा मिलावट होती है, हर जगह आप देख ही रहे हो। तो उससे बेटर इन्हें ये लगता है कि थोड़ी मेहनत ही सही, लेकिन चीज़ें शुद्ध मिलें। और हमारा खुद का भी अपना एक गांव है, वहाँ पर अपना प्लॉट वगैरह है, तो वहाँ पर भी खेती होती है, तो जिससे अनाज काफ़ी अच्छा मिलता है। और अनाज देखिए अगर शुद्ध अगर अनाज मिल जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम है। तो उनका ये मानना है कि जब शुद्ध कोई चीज़ मिल रही है तो उसका इस्तेमाल किया जाए। और मैं आपको अपने गाँव की भी फ़ोटोज़ दिखाऊँगी और बताऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ तो गेहूं भी होता है, सरसों वगैरह भी होता है। अभी सरसों का सीज़न आएगा तो मैं आपको सरसों के खेत वगैरह ज़रूर दिखाऊंगी। अगर मेरा भाई मेरे को लेके गया अगर गांव पे दिखाने, तो बहुत कुछ शो करूंगी आपको।
और पास में एक स्कूल है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी साउंड वगैरह आ रहा है मैडम के चिल्लाने का, तो वो बच्चे डांट खा रहे हुआ, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। अब देखिए ये लोग कितनी शैतानी कर रहे हैं, मुझे काम मेरा बढ़ेगा लेकिन क्या करूं। तो आपको ज़रूर मैं सरसों का खेत वगैरह दिखाऊंगी, सरसों कैसे पिराया जाता है सब कुछ के बारे में बताऊंगी। देखिए जितने भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो सब कुछ जानते होंगे, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बिहारी हूँ, बिहारी कल्चर है, तो अपने ट्रेडिशन के भी बारे में आपको बताऊंगी कि क्या क्या हम लोग करते हैं, कैसे। बहुत सारे लोग हैं उनको भी लगेगा कि नहीं ये सारी चीज़ें तो उनके साथ भी होती हैं, तो इसीलिए मैं कोई भी ज़्यादा चीज़ें एडिट नहीं करती हूँ, जो सामने है जैसा भी घर है। देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसा भी घर है जो भी है रियलिटी है आपके सामने है, कैमरे के सामने है, तो कोई चीज़ हिडन नहीं है कि मैं बहुत कुछ आपसे छुपा रही हूँ। सिंपल लोग हैं, सिंपल तरीके से रहन सहन है, उसके ही बारे में आपको शो करूँगी। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मेरी मम्मी अब आ चुकी है, अब ये मोर्चा वही संभालेंगी, तो बस मैं आती हूँ, मैं वीडियो की तैयारी करती हूँ नीचे जो अगली वीडियो बनने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और देखिएगा ट्विंस माय वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।